साथियों, कंपटीशन कम्युनिटी के इस ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः भरपूर स्वागत है। मेंस कॉन्सेप्ट सीरीज पिछले कुछ समय से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लगातार मेंस कॉन्सेप्ट सीरीज के वीडियोस आपको देखने को मिलती हैं, क्लासेस देखने को मिल रही हैं, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको बता रहे हैं कि अगर फला सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक आपके मेंस के एग्जाम में पूछ लिया जाए तो उसे कैसे डील करना है। चाहे दो नंबर में अगर क्वेश्चन आए, चार नंबर में आए, जिस सब्जेक्ट में जितने भी मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उनको अलग अलग फॉर्मेट में कैसे आपको अरेंज करना है, उसके बारे में लगातार आपको बताया और पढ़ाया जा रहा है। उसी तारतम्य में आज हम सीजीपीएससी मेंस के पेपर 7, जिसके पार्ट 3 में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाएं एवं मानव विकास के बारे में बात की गई है, उसी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक एनसीईआरटी के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, जब भी हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस एक ऐसा स्टेप है आपके एग्जाम का, आपकी सफलता का, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा रोल अदा करता है। ये आप अगर ऐसे कहो कि मेंस में गागर में सागर भरने का काम करना पड़ता है, कहने का मतलब आपको तय समय में, तय फॉर्मेट में क्या करना है, अपने आंसर को डिलीवर करना है। वहां आपके नॉलेज की परीक्षा तो है ही है, साथ ही साथ आप अपने नॉलेज को कैसे प्रेजेंट कर पा रहे हैं, ये ज्यादा बेहद महत्वपूर्ण है। तो उसी तारतम्य में मान लीजिए एनसीईआरटी से क्वेश्चन आपके आया। अब एनसीईआरटी में क्वेश्चन दो नंबर में पूछ लिया गया तो हम वहां कैसे लिखेंगे, अगर यही क्वेश्चन चार नंबर में पूछा गया तो कैसे लिखेंगे, अगर यही क्वेश्चन आठ नंबर में पूछा गया तो कैसे लिखेंगे, और 15 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि इनमें शब्दों की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। अगर आपसे दो नंबर का क्वेश्चन पूछा गया तो 30 शब्द लिखना पड़ेगा, चार में पूछा गया तो 60 शब्द, उसी प्रकार आठ में तो 100 और 15 में 175 शब्दों में आपको आंसर लिखना होता है। तो इन सभी फॉर्मेट में हम कैसे लिख पाए और हम कम समय में और तय फॉर्मेट में कम शब्दों में कितना ज्यादा प्रभावशाली उत्तर लिख पाए, क्योंकि साथियों मेंस में आपके बहुत सारे पार्टिसिपेंट होते हैं लेकिन उनमें भी आपको और बेहतर प्रदर्शन करना होता है, तब तो जो काफी चेक करने वाला है, देखने वाला है, उसको पता चलेगा कि स्टूडेंट कौन बेहतर है जिसको हम सेलेक्ट करें, कौन कम समय में बेहतर डिसीजन ले पाता है, क्योंकि यही आपकी उत्तर पुस्तिका ही उसके लिए आपको इंटरव्यू में बुलाने के लिए क्या है, एक साधन मात्र है। आपकी उत्तर पुस्तिका ही उसे बताएगी जांच करने वाले को, कॉपी जांचने वाले को, कि आप इंटरव्यू दें और आप प्रशासनिक अधिकारी बनने के योग्य हैं, क्योंकि प्रीलिम्स तो केवल एक कट ऑफ है, प्रीलिम्स तो एक गेटअप एग्जाम है, आप गेट पार करते हैं, महत्वपूर्ण चरण मेंस होता है, इसलिए मेंस में फोकस आप सभी का होना चाहिए। लगातार कॉन्सेप्ट सीरीज में आप जुड़े रहिए। देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी भला है क्या? तो एनसीईआरटी, आप देखिए, एनसीईआरटी प्राथमिक शिक्षा में सुधार, अनुसंधान, शोध, प्रशिक्षण करने के काम करने का जो संस्था है उसे एनसीईआरटी कहते हैं। अब इसका विकास कैसे हुआ, इसकी स्थापना कब हुई, इन सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हमने आपको बताया कि एनसीईआरटी क्या करती है। एनसीईआरटी का काम होता है प्राथमिक शिक्षा में सुधार, शोध, अनुसंधान, वहां जो शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण देने का काम, इन तमाम का काम करने का काम कौन करती है, इन सब का काम, इन सबको प्रशिक्षण देने, व्यवस्था बनाने का काम एनसीईआरटी का होता है। अगर हम बात करें संवैधानिक प्रक्रिया की, तो हमारे भारतीय संविधान में भी शिक्षा को लेकर, जैसे आप जानते हैं शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है, तो जब संवर्ती सूची का विषय है तो दोनों सरकारें इसमें कानून बनाने का भी काम करती हैं। एनसीईआरटी में दरअसल हुआ क्या, एनसीईआरटी की स्थापना हुई 1961 में। उसके पहले कई बार आपसे पूछा जाता है एनसीईआरटी के बारे में बताइए, अगर आपसे दो नंबर में क्वेश्चन पूछा गया तो आप बताएंगे कि एनसीईआरटी जो है प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए, उसके अनुसंधान के लिए, शोध कार्य के लिए और उसमें जो अध्यापक है उनको प्रशिक्षण देने का काम करती है। इसकी स्थापना 1961 में हुई और इसके अगर फुल फॉर्म के बारे में बता सके तो और बेहतर है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नाम से ही स्पष्ट
है। तो ये काम एनसीईआरटी ने शुरू किया कब से, जो हमने आपको बताया कि शोध का है, अनुसंधान का है, अध्यापकों के प्रशिक्षण का है, इसकी शुरुआत कब से हुई? इसकी शुरुआत तो 1961 हुई एनसीईआरटी की, लेकिन उसके पहले की क्या व्यवस्था थी, उसके पहले क्या व्यवस्था हुआ करती थी, तो आप ऐसे समझिए उसके पहले की व्यवस्थाएं क्या थी। तो जब तक एनसीईआरटी का गठन नहीं हुआ था तो एचआरडी मंत्रालय, मानव विकास मंत्रालय, जो अब आप देखते हो कि शिक्षा मंत्रालय है, वो इसका काम किया करता था। वो कौन काम किया करता था? एनसीईआरटी जो आज काम कर रही है उसमें काम करने का काम कौन किया करता था? ये काम करने का एचआरडी मंत्रालय। लेकिन एचआरडी मंत्रालय के पास अपने बहुत सारे काम हैं, उच्च शिक्षा के भी काम है, मानव संसाधन के भी काम है, और प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, बनाने के लिए ये प्रयास किया गया कि हम क्या करें, एनसीईआरटी की स्थापना करें। उसकी प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई, कब कौन से संस्था उसके अंतर्गत काम करते थे, फिर कब एनसीईआरटी का गठन हुआ, इसके बारे में सबके चर्चा करेंगे। अभी तो आप ये समझिए कि प्राथमिक शिक्षा सुधार के लिए, प्राथमिक शिक्षा सुधार के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई, प्राथमिक शिक्षा सुधार के लिए, प्राथमिक शिक्षा सुधार के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें कि प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए क्या व्यवस्था की गई, तो हम क्या देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप देखोगे कि इसमें किसकी व्यवस्था की गई। सबसे पहले इसमें प्राथमिक शिक्षा में सुधार की अगर हम बात करते हैं तो आप ये देखोगे इसमें केंद्र की बात करें, केंद्र में क्या व्यवस्था थी, तो केंद्र में एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की व्यवस्था की गई केंद्र में, केंद्र में एनसीईआरटी की व्यवस्था की गई। राज्य में क्या किया गया, राज्य में दो व्यवस्थाएं बनाई गई, राज्य में दो व्यवस्थाएं बनाई गई। दो व्यवस्थाएं कौन कौन सी थी, एक था एससीईआरटी, राज्य के लिए क्या व्यवस्था की गई, एक संस्था बनाई गई, कौन सी, एससीईआरटी, और दूसरी संस्था क्या बनाई गई, एसआईईएमटी। दूसरी व्यवस्था क्या बनाई गई, एसआईईएमटी, ये दूसरी व्यवस्था बनाई गई। तो आपने देखा कि केंद्र के लिए एनसीईआरटी, राज्य के लिए एसईआरटी और एसआईईएमटी की व्यवस्था बनाई गई। अब जिला स्तर पर क्या व्यवस्था की गई, तो जिला स्तर पर भी व्यवस्था की गई, डीआईईटी की व्यवस्था की गई। जिला स्तर पर क्या व्यवस्था की गई, जिला स्तर पर डीआईईटी की व्यवस्था की गई, जिला स्तर पर। उसके बाद क्या व्यवस्था की गई, उसके बाद व्यवस्था ये की गई कि जिला स्तर पर भी दो चीजें बनाई गई, एक संकुल स्तर पर और एक विकासखंड स्तर पर। क्या किया गया, एक संकुल स्तर पर व्यवस्था बनाई गई, जैसे बीआरसी आपने सुना होगा, ब्लॉक रिसर्च सेंटर, उसी प्रकार संकुल के लिए क्या व्यवस्था बनाई गई, संकुल के लिए व्यवस्था बनाई गई सीआरसी, क्लस्टर, क्या बनाई गई, क्लस्टर लेवल पर सीआरसी, सीआरसी की व्यवस्था किसके लिए की गई, जिला स्तर पर, एक किसके लिए, संकुल के लिए व्यवस्था की गई, और एक विकास खंड स्तर की व्यवस्था की गई, विकास खंड स्तर की व्यवस्था की गई किसमें, शिक्षा में सुधार के लिए। तो शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई, प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए व्यवस्था ये की गई कि इसमें क्या, इसमें अलग अलग संस्थाओं का गठन किया गया। केंद्र के लिए हमने आपको बताया एनसीईआरटी, राज्य के लिए एसईआरटी, और उसी तरह राज्य के लिए दो व्यवस्थाएं बनाई गई एसईएमटी, उसी प्रकार जिला के लिए डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल, उसी प्रकार वीआरसी की व्यवस्था की गई विकासखंड स्तर पर, और संकुल स्तर पर, क्लस्टर के स्तर पर क्या किया गया, सीआरसी का गठन किया गया। तो ये व्यवस्था किसमें की गई, प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि
पहले मानव विकास मंत्रालय जो था वो क्या किया करता था, इन सब की सहायता से, किसकी सहायता से, पाठ्यक्रम अनुसंधान केंद्रीय ब्यूरो की सहायता से, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस के माध्यम से, वैश्विक शिक्षा का राष्ट्रीय संस्थान के माध्यम से, नेशनल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सेंटर के माध्यम से, इन सभी संस्थाओं से मिलकर के क्या काम किया करता था, शिक्षा में सुधार के लिए काम किए जाते थे। लेकिन हमने आपको बताया कि उस मंत्रालय के पास अपने बहुत सारे और भी काम थे, उच्च शिक्षा के लिए भी काम करना था, बाकी सारे चीजों की व्यवस्था बनाने का काम किया जाना था। इसलिए 1961 में एनसीईआरटी का क्या किया गया, गठन किया गया, एनसीईआरटी का गठन किया गया। तो ये आप विस्तार में जब क्वेश्चन पूछा जाए तब इस अप्रोच के साथ आप क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। अब बड़ी बात ये आती है, हमने आपको ये बता दिया कि एनसीईआरटी का आपके दो नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे। उसके बाद हमने चर्चा की कि एनसीईआरटी मानव विकास मंत्रालय, मानव विकास संसाधन जो हुआ करता था वो क्या काम किया करता था, उसके बाद इसका विकास कैसे हुआ, अब इसका मेन उद्देश्य क्या है एनसीईआरटी का, अगर हम इसके बारे में चर्चा करें कि उद्देश्य किन उद्देश्यों को लेकर के ये काम कर रहा है एनसीईआरटी, तो उसके बारे में हमको बात करना बेहद महत्वपूर्ण और आवश्यक हो जाता है। तो हमने आपको क्या बताया कि विद्यालयीन शिक्षा में, सबसे पहले अगर हम बात करें विद्यालयीन शिक्षा में सुधार, दूसरा पॉइंट प्रचार प्रसार, दूसरा क्या है प्रचार प्रसार, तीसरा पॉइंट आप यहां देख सकते हो अनुसंधान। उसी प्रकार अगर आप देखोगे तो यहाँ क्या चर्चा कर सकते हैं कि विद्यालयीन शिक्षा संरचना के रूप में क्या करना, इसमें सुधार का काम करना, ये सारी चीजें इसमें आप देख सकते हो, प्रशिक्षण का काम करना, ये इसका क्या है उद्देश्य है। एनसीईआरटी का उद्देश्य, कई बार आपसे क्वेश्चन चार नंबर में पूछ लिया गया कि एनसीईआरटी का उद्देश्य के बारे में बताइए, तो एनसीईआरटी का जब आपसे उद्देश्य पूछा जाएगा वहां शब्दों की लिमिट है, अपनी 60 शब्दों में आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है, तो वहां आप क्या करोगे, थोड़ा सा एनसीईआरटी के बारे में परिचय दोगे कि एनसीईआरटी प्राथमिक शिक्षा में सुधार, उसमें अनुसंधान, उनके अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए काम करता है, और इसके उद्देश्य क्या है, विद्यालयीन शिक्षा में सुधार करना, प्रचार प्रसार करना, अनुसंधान करना, शिक्षण व्यवस्था में प्रशिक्षण जो अध्यापकों का है उसकी व्यवस्था को दुरुस्त करना, और विद्यालयीन गतिविधियों में आने वाली समस्या, जो उसके पाठ्यक्रम में होने वाली समस्या को क्या करना, दुरुस्त करने का काम कौन करता है, एनसीईआरटी, ये इन उद्देश्यों के तहत क्या काम करती है। आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, संरचना क्या है एनसीईआरटी की, ये बेहद महत्वपूर्ण है। कई बार देखिए, जब आपसे लंबा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब आपसे 15 नंबर 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जो प्रक्रिया हम आपको बता रहे हैं कि एनसीईआरटी का परिचय, उद्देश्य, उसके विकास का क्या क्रम रहा, फिर उसका क्या उद्देश्य है, क्या काम करती है, क्या संरचना है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो जब हम संरचना की बात कर रहे हैं कि संरचना क्या है, तो संरचना के बारे में अगर आप बात करोगे तो इसे दो तरीकों से समझते हैं। एक संरचना वो है जिसमें क्या है, क्या इसके निकाय हैं, किन निकायों के सहायता से ये काम करती है, उसके बारे में बात करेंगे, और एक फिर इसकी संरचना कार्यकारी परिषद, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर इसके निकाय की बात करें कि ये किन किन निकायों के तहत क्या है काम करती है, कौन कौन से निकायों की मदद से ये काम करती है, तो राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, अगर हम इसके निकाय की बात करें कि किन निकायों के, निकाय की अगर हम बात करें, तो पहला आप क्या देखोगे, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, दूसरा अगर हम बात करें कि दूसरा क्या है, पहला हमने क्या बात किया, हमने बात किया कि राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, दूसरा हम बात करें केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, क्या है, केंद्रीय
केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रौद्योगिकी संस्थान, संस्थान। तीसरा क्या है? तीसरा अगर हम बात करें कि तीसरा क्या है, तो तीसरा आप देखोगे कि PSS केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान क्या है, PSS केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, व्यावसायिक शिक्षा संस्थान। ये क्या है? PSS पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान। और ये कहां है? तो ये है साथियों भोपाल में। कहां है? ये है भोपाल में। उसके बाद अगर हम बात करें कि और क्या है, तो चौथा अगर हम बात करें तो केंद्रीय शिक्षा संस्थान क्या है? क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान। अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो मैं इसको यहां मेंशन कर देता हूं कि क्षेत्रीय शैक्षिक संस्थान, क्षेत्रीय शैक्षिक संस्थान, संस्थान। अब इसमें कौन कौन से केंद्रीय शैक्षिक संस्थान है? तो इसमें चार हैं। ये एक तो भोपाल में है, एक कहां है? भोपाल में है। एक कहां है? अजमेर में है। एक कहां है? भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर में है। एक कहां है? शिलांग में है। एक कहां है? शिलांग में है। तो इस तरह से आप क्या है इसे देख सकते हैं कि ये कहां कहां है। तो हमने आपको बताया कि ये कहां कहां आपको देखने को मिलेंगे। ये आपको देखने को मिलेगा भोपाल, अजमेर, शिलांग, भुवनेश्वर, और एक जगह और है कहां? मैसूर में, मैसूर। तो ये आप देख सकते हो। इन संरचना ऐसी है, इन निकायों के तहत एनसीईआरटी क्या है काम करता है। इनकी मदद से क्या व्यवस्था बनाने का, प्राथमिक शिक्षा में सुधार, अनुसंधान, उसमें प्रशिक्षण अध्यापकों को जो इसके कार्य है वो इनकी सहायता से करता है। किसकी? राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा क्या केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, और क्षेत्रीय शैक्षिक संस्थान जो भोपाल में है, मैसूर में है, अजमेर, शिलांग और भुवनेश्वर में है। अब साथियों बात आती है, इसमें एक कार्यकारी परिषद भी होती। संरचना तो ये जो स्थायी तौर पर संरचना है जिसके माध्यम से ये कार्य करती, लेकिन एक व्यवस्था इसमें और होती है। वो क्या है? उस व्यवस्था को भी हम समझ लेते हैं। इसको मैं कर देता हूं रफ। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आप नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। अब मैं इसको रफ करता हूं क्योंकि हमको एक चीज के बारे में और डिस्कस करना है जो बेहद महत्वपूर्ण है। इसके जो कार्यकारी समिति कहिए या परिषद कहिए, उसमें कौन कौन लोग शामिल होते है? इसमें जो कार्यकारी परिषद है उसमें शामिल होते हैं महत्वपूर्ण रूप से शिक्षा मंत्री, पहले मानव संसाधन विकास मंत्री हुआ करते थे, अब वही हो गया तो शिक्षा मंत्री हो गए। शिक्षा मंत्री कौन? केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री, ये इसके मुखिया होते हैं। उसके बाद राज्य सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्री, दूसरा राज्य सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेशों के, एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, सॉरी मुख्यमंत्री कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री। उसी प्रकार इसमें जो अलग अलग विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपति। अब सामान्य तौर पर आप कहोगे कि कुलपति, तो कुलाधिपति राज्यपाल होते हैं, कुलपति जो होते हैं वो कुलपति शामिल होते हैं इसमें, कुलपति लोग शामिल होते हैं, विश्वविद्यालयों के कुलपति शामिल होते हैं। और इसमें जो बेहद महत्वपूर्ण है आपको याद रखना, ये है कि इसमें छह व्यक्ति वो जो शिक्षा के ज्ञाता है, शिक्षा में योग्यता रखते हैं, क्या है जानकार हैं, उसके समझदार हैं, वो लोग शामिल होते हैं। कितने? मैक्सिमम छह लोग, मैक्सिमम छह। चौथा पॉइंट क्या है? छह वो व्यक्ति, वो योग्य व्यक्ति जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं। अब उनमें से चार मिनिमम, मिनिमम चार व्यक्ति क्या होंगे? अध्यापक होंगे। इन छह में से चार क्या होंगे? अध्यापक होंगे। ये आपको याद रखना है। तो ये संरचना इंस्टीट्यूट की तरफ, संस्थान जो निकाय है उनकी बात हमने की, ये वो संस्था जो कार्यकारी परिषद जो एनसीईआरटी में व्यवस्था बनाने का काम करती है वो इसमें शामिल होते हैं। तो
तो ये आप समझ गए होंगे, ये निकाय के तौर पर संरचना और ये कार्यकारी जो उनकी परिषद होती है उसकी तौर पर संरचना। कौन कौन लोग उसमें शामिल होते हैं, हमने आपको बताया कि केंद्र के जो शिक्षा मंत्री हैं वो शामिल होते हैं केंद्र सरकार के, उसी प्रकार राज्य सरकार के या कि केंद्र शासित प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं वो शामिल होते हैं। और उसके बाद हमने आपको बताया कुलपति, अलग अलग विश्वविद्यालय के कुलपति शामिल होते हैं, और छह वो व्यक्ति जो शिक्षा में योग्यता रखते हैं, शिक्षा के बारे में जागरूक हैं वो शामिल होंगे, लेकिन उनमें से चार व्यक्ति कौन होंगे, अध्यापक लोग होंगे जो कहीं ना कहीं अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। अब इसका कार्य क्या है, एनसीईआरटी के कार्य समझ लेते हैं। एनसीईआरटी हमने आपको विस्तार से कि 15 नंबर में आप कैसे चीजों को कवर कर सकते हैं, 8 नंबर में आप कैसे कवर कर सकते हैं, और कैसे 4 नंबर और 2 नंबर में क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं, उसके बारे में हमने आपको बताया। एनसीईआरटी का कार्य क्या है, एनसीईआरटी का कार्य क्या है, प्रचार प्रसार, शिक्षा का प्रचार प्रसार, शिक्षा का प्रचार प्रसार। दूसरा अनुसंधान, अनुसंधान, अनुसंधान शोध भी कह सकते हो, अनुसंधान शोध। उसके बाद अगर हम और पॉइंट्स की बात करें कि और पॉइंट्स क्या हो सकते हैं इसमें, तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो तीसरे पॉइंट में आप क्या देखोगे, इसमें प्रशिक्षण देख सकते हो, क्या प्रशिक्षण का काम करती है, प्रशिक्षण का काम, प्रशिक्षण का काम। उसी प्रकार मंत्रणा का काम, मंत्रणा का काम, सलाह देने का काम करती है, कौन, एनसीईआरटी क्या करती है, सलाह देने का काम करती है। अभिमुखीकरण, नीति क्रियान्वयन, अभिमुखीकरण आप देख सकते हो, अभिमुखीकरण, अभिमुखीकरण, नीति क्रियान्वयन, नीति क्रियान्वयन के बारे में चर्चा कर सकते हैं, किसके, नीति क्रियान्वयन, क्रियान्वयन, नीति क्रियान्वयन, इसके बारे में क्या है, एनसीईआरटी काम करती है। तो इन तमाम के बारे में हमने चर्चा की, और क्या करती है, इसमें विकास के बारे में भी बात की जाती है, एनसीईआरटी प्रयास करती है। इसके कार्य के बारे में हमने आपको बताया, अनुसंधान के कार्य। अब नई क्या चीजें हैं उनमें अनुसंधान करना, उनमें क्या करना, जैसे अनुसंधान का मतलब और शोध का मतलब आप समझिए, अभी इस विषय को लेकर के एनसीईआरटी चर्चा में भी रहा, हाल ही में चर्चा में रहा है, और किस कारण से चर्चा में रहा है वो आपके कमेंट बॉक्स में बताना है। इसमें क्या समय समय पर कौन से आपके पाठ्यक्रम में प्राथमिक शिक्षा में सिलेबस का क्या है महत्व है, उनको रखना, नए सिलेबस को जोड़ना, पुराने सिलेबस को हटाना, इन सारी चीजों के वक्त क्या समय समय पर अनुसंधान काम किए जाते रहे। प्रशिक्षण, प्रशिक्षण किसका, अध्यापक लोग जो प्रशिक्षण होता है, तो कई बार होता है कि काम में लगने से पहले का प्रशिक्षण, जब टीचर्स की नियुक्ति होती है उसके पहले उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, तो प्रशिक्षण कब, काम के पूर्व, काम के पूर्व, और एक कार्य के दौरान, एक कार्य के दौरान, कार्य के दौरान क्या किया जाता है, एक काम के पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है। और कई बार आपने देखा होगा कि जब बहुत दिनों से शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो उनको समय दर समय, जैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी आई उसके बारे में उनको बताना, समझाना, उनकी ट्रेनिंग देना, इसका काम भी एनसीईआरटी के द्वारा किया जाता है। मंत्रणा की जाती है, सब बैठ करके विभिन्न विषयों पर कि क्या इसमें नए सुधार होने चाहिए, उनमें क्या किया जाता है, मंत्रणा का काम किया जाता है। नीति क्रियान्वयन, नीति क्रियान्वयन, केंद्र सरकार अपने स्तर पर राज्य सरकारों से सुझाव लेकर, राज्य सरकार भी समय समय पर क्या नीतियां होनी चाहिए। आपने सुनते होंगे कि नई शिक्षा नीति का क्या है, घोषणा की गई अभी हाल ही में, लॉकडाउन के बाद नई शिक्षा नीति आई, तो कोविड के समय के बाद तो वो चर्चाओं में रही, तो उसी समय आप देखोगे नीति क्रियान्वयन का काम भी एनसीईआरटी के द्वारा किया जाता है। अभिमुखीकरण, अभिमुखीकरण का कहने का मतलब यह है, अभिमुखीकरण करने का मतलब यह है, ये कहा जाता है कि नई तकनीकी, नई अनुसंधान कैसे शिक्षकों तक पहुंचे, उनको कैसे अभिमुखीकरण के द्वारा, जो नई तकनीकी आई है, नई टेक्नोलॉजी आई है, उसका शिक्षकों तक कैसे पहुंचाना है, उसकी बात की गई। प्रचार प्रसार, आप जानते हो शिक्षा का प्रचार प्रसार, शिक्षा में अध्यापकों के पास तो हो ही हो, समाज में भी, और शिक्षा का स्तर लगातार प्रगतिशील हो, प्रगति की ओर आगे बढ़े, उसका प्रयास एनसीईआरटी का रहता है। विकास, शिक्षा के स्तर पर विकास के काम का क्या है, किया जाता है एनसीईआरटी के द्वारा।
तो साथियों, आज के मेल्स कॉन्सेप्ट सीरीज में हमने आपको एनसीईआरटी अगर आपसे पेपर 7 के पार्ट 3 में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एनसीईआरटी को विस्तार से समझाइए, तो आप विस्तार से समझाने के लिए क्या करेंगे, आप विस्तार से समझाने के लिए कहां से शुरू करेंगे, विस्तार से समझाने के लिए आप क्या देखेंगे, विस्तार से समझाने के लिए आपको करना क्या है, विस्तार से समझाने के लिए आपको क्या करना है, इन्हीं सब पॉइंट्स को जो हमने आपको पढ़ाते समय मेंशन किया उन सबके साथ आपको जाना है। आपको एनसीईआरटी का परिचय बताना है, एनसीईआरटी के विकास का क्रम बताना है, उसके बाद एनसीईआरटी के क्या उद्देश्य हैं, एनसीईआरटी के क्या काम हैं, एनसीईआरटी की क्या संरचना है, एनसीईआरटी किन संस्थाओं किन निकायों के तहत काम करती है, इन सबके बारे में मेंशन कर सकते हो। अगर आपसे केवल उद्देश्य पूछा जाए तो आप केवल उद्देश्य बता सकते हैं कि इसका शिक्षा में प्रचार प्रसार करना, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, शोध अनुसंधान कार्य करने, इन तमाम के बारे में, और हमारे भारतीय संविधान का जो उद्देश्य है कि शिक्षा चाहे मूल कर्तव्य में बात करें, अब तो अधिकारों में भी बात शिक्षा की होने लगी, वहां ये है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार कैसे हो, क्योंकि एक सभ्य समाज का निर्माण, सभ्य समाज का जो एक संकल्पना है वो कहीं ना कहीं शिक्षा के माध्यम से ही क्या है सुनिश्चित हो सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस क्लास में एनसीईआरटी को लेकर के आपके दिमाग में चीजें क्लियर हुई होंगी कि एनसीईआरटी है क्या, एनसीईआरटी अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमें कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे बताना है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम आपको ये गाइड कर पाएं कि मेंस में कैसे आपको क्वेश्चन लिखने हैं, हर फॉर्मेट में, तय समय में और तय शब्दों में। अब कई बार आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2 नंबर में लिखना है, 30 शब्द ही लिखना है, तो 30 से 40 शब्द आप लिख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको आ बहुत रहा है तो हम क्या करें कि मां साहब हमसे पूछा तो 2 नंबर का है लेकिन हमने पढ़ा 15 नंबर का है तो हम लिख दे 15 नंबर का, तो वहां आपको 2 नंबर की जगह 15 नंबर नहीं मिलेंगे, आपको वहां 2 नंबर भी मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि आपने लिख इतना दिया है। आप जो एग्जामिनर पूछना चाह रहा है वो आप उसके पूछने के भाव को नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको गागर में सागर भरने का काम करना है और क्या करना है, आपको कम में झमाझम देना है। तो साथियों, आप लगातार मेंस कॉन्सेप्ट सीरीज के साथ जुड़े रहिए और आपको विभिन्न सब्जेक्ट के अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा कैसे मेंस में आपके क्वेश्चन लिखे जाते हैं उसका बताने और पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर हम किसी नए टॉपिक के और कैसे लिखते हैं क्वेश्चन अगर आ जाए उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी जुड़े रहिए कंपटीशन कम्युनिटी के टीम के साथ। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।